भगवद गीता महापुराण 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करके गुप्त अध्यात्म विषय वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, जीव की उत्पत्ति नाश और आपका अक्षय महात्म आपके मुखारविंद से विस्तारपूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा वर्णन किया है वैसा आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, यदि आप मुझे उसको देखने योग्य समझो तो अपना वह अव्यक्त रूप मुझे दिखाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुद्गण और पहले कभी नहीं देखे हो ऐसे आचार्य को देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहते हो आप यहाँ मेरे देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण और दिव्य आयुध सुसज्जित थे। हृदय पर दिव्य वस्त्र गंध लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि 1000 सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विलय हुए इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा हाथ जोड़ कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब और भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमल आसन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारी अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत या आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीटयुक्त गदा चक्रधारे, चारों ओर से दीप्यमान तेजो राशि, अग्नि व सूर्य संप्रकाशमान, दुर्निशिक अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपकी आधी, मध्य और अंत से रहित अनशक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाले, अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत हो हाथ जोड़ तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समूह स्वस्थित कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। अनेक नेत्र, बाहु, जंगा, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रही हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान, अनेक दूर तक फैलाए हुए मुख व प्रकाश वाले विशाल नेत्रयुक्त तुमको देखकर, हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित स्थित नहीं होता। भयंकर दाणों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र के साथ अनेक राजा और भीष्म, द्रोण और कर्ण हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाणों से युक्त आपके विकराल रूप में प्रवेश कर रही हैं। उनमें कितने ही लोग आपके धातु से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के वीर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग की तरह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। विष्णु,
लपट निकलते हुए मुख से चारों ओर से सवीरों को निकलकर आप जीप चाट रहे हैं। आपकी तृष्ण प्रभाए समस्त संसार को तेजी से व्याप्त कर तृप्त हो रही हैं। यह भयंकर रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो, हे देवेश्वर आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह व्रति मेरी समझ में नहीं आती है। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, सभी का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी यह वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। इस स्वयं साचिन उसको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अनेक योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, तुम युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ कपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेममग्न हो रहा है। राक्षस डर कर सब दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो ठीक ही है। हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें? अव्यक्त और व्यक्त आप ही हो। हे अनंत, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता ज्ञेय हो, शेष स्थान आप ही हो। विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्माणी जी के पिता आप ही हो। आपको नमस्कार है और बारंबार आपको नमस्कार है। आप अनंतवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सर्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण हे सखे ऐसे जो तिरस्कार से कहा हो, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से, हे अच्युत तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ। जो परिहास में विहार, सोने बैठने, भोजन के समय, अकेले या मित्रों के मध्य तुम्हारा अपमान किया हो, सो क्षमा करें। इस स्थावर जंगम रूप के पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा? इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा करो देव। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रिय प्रिय के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। हे प्रभु आप प्रसन्न हो। हे सहस्त्र भाव, मैं फिर आपको वही किरीट गदा हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह ओज में अनंत आद और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई अन्य वेदों का अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझे नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर व्याकुल और मूढ़ ना हो, भय त्याग कर प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर अर्जुन को धीरज बनाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थिरता को प्राप्त होता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मेरा ये विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्वज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, जो कोई सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, संसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से व्यर्थ त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। श्री भगवद्गीता महापुराण 11वां अध्याय संपूर्ण।